आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। जॉर्ज फर्नांडिस की डेथ की खबर आई है। वो मशहूर नेता जिसने कभी मुंबई को हिला दिया था। मैं मुंबई से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊंगा कि जो ठाकरे फिल्म आई है उसमें जॉर्ज फर्नांडिस का किरदार दिखाया, तो ये आखिरी फिल्म थी उनके जीवित रहते जिसमें उनका किरदार दिखाया गया। तो वो किरदार क्या था? दरअसल इसमें एक रोल होता है जॉर्ज फर्नांडिस का कि कैसे बाला साहब ठाकरे को जेल में डाल दिया जाता है, और जब वो जेल में पहुंच जाते हैं तो एक तरह से उनके जितने शिव सैनिक होते हैं वो पूरे बॉम्बे को हिला के रख देते हैं। जगह जगह तोड़फोड़, जगह जगह जाम। ऐसे में जो महाराष्ट्र सरकार थी मुश्किल में आ जाती है, पूरे महाराष्ट्र में तोड़फोड़ और तमाम सारे प्रोटेस्ट चलने लगते हैं। तब वो अपील करते हैं बाला साहब ठाकरे से कि आप ही बचा सकते हो बॉम्बे को, आप एक अपील करिए कि शिवसैनिक शांत हो। तो इसी दौरान मिलने जाते हैं जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बाला साहब ठाकरे से, और ठाकरे बड़े खुश होते हैं और जेल में जॉर्ज फर्नांडिस बाला साहब ठाकरे से बोलते हैं कि मेरे बाद एक तुम ही हो जिसने बॉम्बे को एक तरह से हिलाकर रख दिया या बिल्कुल रोक के रख दिया। तो बाला साहब ठाकरे से बड़े खुश होते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं और उसे कहते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस भी अपील करते हैं कि हाँ बॉम्बे को सामान्य स्थिति में लाया जाए। तब बाला साहब ठाकरे की खुशी तो वो देखते ही बनती थी, क्योंकि एक जॉर्ज फर्नांडिस ही ऐसा व्यक्ति था जिसने कुछ दिन पहले यानी 1974 में पूरी बॉम्बे को एक तरह से होल्ड पे डाल दिया था, जाम कर दिया था। वजह थी कि जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने तमाम सारी मांगों को लेके, वर्कर्स की मांगों को लेके बॉम्बे में हड़ताल करवा दी थी रेलवे यूनियंस की, और उनके साथ टैक्सी यूनियन भी शामिल हो गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस को बड़ा नेता माना जाता था, कभी उनके परिवार वाले उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन उसे छोड़कर 1949 में बॉम्बे में आए, अखबार में काम करने लगे, चौपाटी पे सोने लगे, और वहां से उन्होंने रेलवे यूनियंस का काम संभाला। और एक दौर वो आता था जब बाला साहब ठाकरे से पहले जॉर्ज फर्नांडिस की बॉम्बे में तूती बोलती थी, खास तौर पे रेलवे यूनियंस में और बाकी जितने मजदूर आंदोलन थे वो उनसे जुड़े हुए थे। ऐसे में जॉर्ज फर्नांडिस का उसमें आना, जेल में आके उनसे मिलना और उनकी तारीफ करना, ये बात बाला साहब ठाकरे नहीं भूले, ना ही संजय राउत भूले, और इस सीन को खास तौर पे ठाकरे फिल्म में दिखाया गया। तो अगर आप जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़ी आखिरी मूवी देखना चाहें तो आप ठाकरे जाकर देखिए। इस बारे में और जो भी जानकारी होंगी और खबरें होंगी आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।